नमस्कार दोस्तों, बिनोर वाइन से मैं ललिता राजपूत और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बहुत ही सिद्ध प्राचीन और जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ का, मोटा महादेव सिद्ध पीठ के नाम से प्रसिद्ध है, आज हम आपको उसके संपूर्ण दर्शन कराएंगे और उसके इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस मंदिर में आने के लिए दोस्तों हरिद्वार से लेके नजीबाबाद जो हाईवे पड़ता है वहाँ पर जो पहला जो पड़ाव पड़ता है वो मोटा महादेव सिद्ध पीठ ही पड़ता है। आप देख सकते हैं, आपको सामने से ही साइन बोर्ड दिख जाएगा, हम साइन बोर्ड दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, स्वयंभू मोटा महादेव सिद्ध पीठ, तो ये साइन बोर्ड आपको दिख जाएगा। तो आज हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं और इसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए सामने हमें मंदिर दिख रहा है। ये पूरा मंदिर जो है सहारनपुर रियासत में आता है, जो कुंवर भारतेंदु जी हैं उनकी रियासत मान जाती है, उसी के अंतर्गत ये मंदिर आता है और एक तरह से समझ सकते हैं कि वही इसके सारे कर्ता धर्ता भी हैं इस मंदिर के। तो आज हम आपको इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं मंदिर के, अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। पहुंच ही गए हैं यहाँ पर और बहुत सारी यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं कि घंटियाँ लगी हुई हैं और इसके बारे में भी हम यहाँ पर हमारे साथ में हैं जो यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जो यहाँ के पुजारी जी हैं हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे ही मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। तो सर प्लीज़ बताइए, क्या नाम है आपका? मैं शशिनाथ पुजारी, मोटा महादेव मंदिर। देखिए मेरे पूर्वज यहाँ पे जी 1602 ईस्वी से यहाँ पूजा करते चले आए और ये शंभू जो मोटा महादेव जी हैं जी, इनका कोई इतिहास नहीं है कि कब उत्पन्न हुए जी। 1602 ईस्वी में हमारे राजा भारतेन जी के परिवार के जो लोग थे, जो उनके पूर्वज थे जी, जी। उनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया जी। तभी से मेरे पूर्वज यहाँ पूजा कर रहे हैं, सातवीं पीढ़ी में यहाँ मैं पूजा कर रहा हूँ। देखिए ये बाबा ऐसे है कि यहाँ से जो भी मांगा जाता है जी, वो सब आपको मिलेगा। उसमें आपको जो चीज आपके मन में हृदय से आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। 16 सोमवार रखने का मतलब ये होता है कि हमने 16 सोमवार रखे हैं जी, तो 16 सोमवार में अपने जो मांगा वो 16 सोमवार में ही आपको भगवान देंगे जी। 16 सोमवार में ही मिल जाएगा, मिल जाएगा। सबसे सोमवार को आप उद्यापन करेंगे जी, ये आप मानिए जी। ये बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा। तो जैसा हमें बताया पुजारी जी ने कि ये लगभग 1602 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है भारतेंदु जी के पूर्वजों द्वारा, लेकिन ये मंदिर, ये शिवलिंग उससे भी पहले से ही यहाँ पर स्वयंभू जो है प्रकट हो चुका था शिवलिंग, बाद में उनके पूर्वजों ने इसमें मंदिर का निर्माण कराया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन है ये मंदिर और इसके सिद्ध होने के बारे में भी हमें पुजारी ने बता ही दिया है कि अगर हम 16 सोमवार तक का व्रत करते हैं और यहाँ पर कोई हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं भगवान से, तो 16 सोमवार के बाद आप 17वें में जब यहाँ आके उद्यापन करेंगे तो आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। और जैसा इन्होंने बताया कि सातवीं पीढ़ी में है ये भी, यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी यही यहाँ का की सारी देखभाल कर रहे हैं, पुजारी हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है ये। पुजारी जी, तो जैसे कहा जाता है शिवलिंग को मोटा महादेव के नाम से जाना जाता है, तो इसका क्या कारण है सर? देखिए ये शिवलिंग मोटा होने के कारण जी, तो इनको मोटा महादेव कहा जाता है जी। और स्वयंभू स्वयं भूमि से प्रकट है जी, तो इनको स्वयंभू मोटा महादेव जी इसलिए कहा जाता है जी। तो यानी कि ये स्वयंभू है और ये कहीं से लाके स्थापित नहीं किया गया? नहीं, ये स्वयं जहाँ पे है वहीं पे भूमि से प्रकट हुए, यहीं पे भूमि से प्रकट हुए थे। इनको पाताल तोड़ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पाताल तोड़ शिवलिंग भी कहा जाता है इन्हें जी, यानी कि ये धरती में से खुद ही प्रकट हो गए जी, जी, जी। और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे लगभग 20 लाख लोग पूरे साल में कांवड़ से निकलते हैं यहाँ से जी, जैसे सावन शिवरात्रि तो काफी भीड़ यहाँ रहती है, शासन प्रशासन का पूरा जोर यहाँ पे रहता है जी, जी। और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि एक आदमी को दर्शन करने में कम से कम शिवरात्रि के टाइम में 2 घंटे में उसको नंबर आता है। अच्छा, एक आदमी को 2 घंटे में नंबर, इतनी भीड़ होती है जी। तो सर हमने बात की थी, यहाँ पे गुरुजी रहते हैं तो उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे जो हरिद्वार से यहाँ पे कांवड़ लेके आते हैं लोग, तो सबसे पहले अगर वो मोटा महादेव के नाम का अगर जल ना रखें तो उनकी जो शीशी होती है या जिस भी चीज में वो लाते हैं तो उसका जल स्वयं ही सूख जाता है। तो क्या ये तथ्य सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। देखिए जी, हरिद्वार से एक शीशी मोटा महादेव जी के लिए मिलती है जी, चाहे आदमी को 1 घंटा लाइन में लगना पड़े 2 घंटा लाइन में, लेकिन उनको वो शीशी चढ़ानी है यहाँ पे, चढ़ानी है। अगर वो शीशी नहीं चढ़ा पाएंगे तो शीशी का जल ऑलरेडी सूख जाए, अपने आप ही सूख जाए, अपने आप सूख जाए, वो अपना जल खुद ग्रहण कर लेते हैं जी। तो ये भी दोस्तों यहाँ की एक मान्यता है, बल्कि ये सच ही है कि
जो हरिद्वार से कांवड़ चढ़ाने लोग आते हैं तो सबसे पहले जल जो है वो मोटा महादेव पर ही चढ़ाया जाता है। और अगर आदमी किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाता है तो वो जो जल लगता है वो तो स्वयं ही सूख जाता है, यानी महादेव जी से स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए अब हम आपको पिंडी के बहुत पास से दर्शन कराते हैं। देखिए आप शिवलिंग के दर्शन कीजिए बहुत ही पास से, और वाकई जैसा हमें पुजारी ने बताया बहुत गोलाकार सा बहुत मोटा सा शिवलिंग है यहाँ पर। तो पुजारी जी मैं इस शिवलिंग में ये देख पा रही हूँ ये ऐसा ऊपर से है, तो ऐसा क्यों है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो शंभू होते हैं जी, जो जहाँ स्थान उनका होता है, जहाँ वो उत्पन्न होते हैं जी, और वहीं पे उनका शिवालय बना दिया जाता है जी, तो जी, जी। 100 साल के बाद ये चीज आप जो देख रहे हैं जी, ये सारी चीज अपने आप गायब होती रहती है। अच्छा। यानी कि उसको बोलते हैं कि 100 साल में एक बार चोला बदलते हैं। अच्छा, तो आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे हैं, तो आपके पूर्वजों ने भी देखा होगा ऐसा? उन्होंने ही बताया। अच्छा, उन्होंने ही आपको बताया? और मैं स्वयं भी देख रहा हूँ जी, जब मैं आया था उस समय ये लाइन यहाँ पर थी जी, लेकिन रोज मैं सफाई करता हूँ लेकिन ये चीज हमें कहीं नहीं मिलती है जी, ये ऑलरेडी अपने आप ही जाती है। अच्छा, अपने आप ही जाती है जी, जी, अपने आप होता है। देखिए अब हमें जैसा पुजारी जी ने बताया कि प्रत्येक 100 साल में जो ये शिवलिंग है अपना चोला बदलते हैं, तो ये लाइन जब इन्होंने भी देखी थी तो यहाँ थी, और अब ये 100 साल में, अब जैसे 2020 चल रहा है, ये लगभग मान के चलिए 40 तक, अभी 20 साल और लग जाएंगे। अच्छा, 20 साल बाद फिर से ये चोला बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। अच्छा, फिर नीचे से कटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए 2040 तक ये यहाँ से बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और फिर नीचे से कटना शुरू हो जाएगा, ऐसा हमें पुजारी जी ने बताया। तो ऐसा चमत्कारिक शिवलिंग शायद ही आपने कहीं देखा हो, इतना सिद्ध इतना प्राचीन मंदिर है ये, तो यहाँ के आकर आपको दर्शन जरूर करने चाहिए और यहाँ आकर आपको धर्म का लाभ जरूर ही कमाना चाहिए। तो ऊपर से भी दिखाते हैं, बिल्कुल गोल शिवलिंग है, काफ़ी मोटा, इसलिए मोटा महादेव कहा जाता है, जैसे अभी अभी हमें पुजारी जी ने बता ही दिया है। और बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है और चमत्कारी तो है ही, जैसा कि पुजारी जी की बातों से ही ये स्पष्ट ही हो गया है। तो इतने अच्छे दर्शन हम आपको आज मोटा महादेव के करा रहे हैं, आप जरूर आइए यहाँ पर और धर्म का लाभ लीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी करेंगे। भक्त जो हैं दर्शन करके अभी अभी आए हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, तो आप कब से आ रहे हैं हम मंदिर पे? सर हम तो आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो आपकी भी कोई मनोकामना आपने मांगी हो पूरी हुई हो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मनोकामना तो पूरी होती है। आपकी पूरी आस्था है मंदिर में जी? तो आपने देखा इनकी पूरी पूरी आस्था है मंदिर में, ये आते ही रहते हैं और इनकी बहुत सी मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं। तो यहाँ पर कोई धार्मिक क्या क्या आयोजन होते हैं, क्या क्या होता है, तो पुजारी जी से इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सर जैसे इतना प्राचीन और इतना प्रसिद्ध भी है मंदिर, और जैसे हम देख रहे हैं कि ऑन रोड ही है बिल्कुल, तो यहाँ पे धार्मिक आयोजन भी बहुत से होते होंगे? देखिए शिवरात्रि में यहाँ पे हमारे जो आते हैं जहांगीराबाद वाले भी आते हैं भंडारा लगाने के लिए, काफी बड़ा भंडारा वो लोग करते हैं जी, जी। और हमारे बाजपुर से आते हैं श्री निरंजन गोयल जी, वो बहुत बड़ा भंडारा करते हैं, लगभग उनको 27 भंडारे करते हुए। अच्छा, और वो यहाँ पे लगभग मैं मानता हूँ कम से कम 8 से 9 लाख रुपए लगा के तब जाते हैं, सबको खाना मिलता है, नाश्ता सबको मिलता है। अच्छा, और उसमें पूरा मंदिर का पूरा सहयोग, 8 से 10 लाख रुपए लगा के जाते हैं, यहाँ तक कि मतलब केवल भोजन ही नहीं मिलता उसमें मध्याह्न का, यहाँ तक कि नाश्ता तक, और कोई भी ऐसा नहीं रहता आप समझ सकते हैं कि जो भूखा रह जाता हो, तो इतना विशाल भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। तो आप जरूर आइए, भंडारे के समय भी आ सकते हैं आप, या सोमवार के दिन भी आ सकते हैं, सावन में यहाँ पर कांवड़ का जल चढ़ाया जाता है, जरूर कीजिए महादेव के दर्शन। अरे जी, जैसे ये प्राचीन रियासत रही है ना राजा महाराजाओं की, और अब भी यहाँ पर कौर भारतेंदु जी जो है वो राजा के रूप में है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो और भी ऐसी प्राचीन और ऐसी चीजें होंगी, तो और क्या क्या है यहाँ पर देखने लायक? यहाँ पे एक रानी सती का मंदिर है जी, जो काफी पुराना है जी, जी, और आज भी वहाँ की प्रथा है जी, जो हमारे रसौली निकल जाए या मस्से निकल जाए वहाँ की मिट्टी लगाने से ठीक हो जाती है। अच्छा, वहाँ की मिट्टी लगाने से वो ठीक हो जाते हैं? तो ये मतलब तथ्य मतलब बिल्कुल सच है, आपने देखा है आंखों से? 50 साल से ज्यादा हो चुका हूँ जी, पिछले 33 साल से मैं एक चीज देखता चला रहा हूँ। अच्छा जी, ये सारा खुद मैं अपना बच्चों का मैं दवाई लेता ही नहीं कोई इस तरह की, माता रानी की मिट्टी उठा के लगा लेते हैं ठीक हो जाता है सारा। तो ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है, देखिए सती का मंदिर भी यहीं पर है, तो हम अपनी अगली वीडियो में आपको जरूर उसके दर्शन भी कराएंगे और उसके बारे में और आपको जानकारी देंगे। और भी कुछ ऐसा है जो पुजारी जी आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए यहाँ पे भैरव जी का मंदिर भी है जिसके बारे में आप आगे जब हमसे पूछेंगे तब मैं आपको आगे बताऊंगा उस चीज के बारे में, जी, जी, आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी जी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो हम यहाँ पर बनाएंगे, सती मंदिर के बारे में भी आपको दिखाएंगे, उसके पूरे दर्शन कराएंगे, और भैरव मंदिर जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया है तो उसके भी आपको हम ज़रूर दर्शन कराएंगे। तो तब तक कि आप इस वीडियो को आनंद लीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।